स्टूडेंट्स, सो आई होप आपके एग्ज़ाम अच्छे हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे गूगल क्लासरूम में या मुझे कॉल कर सकते हैं। सो अपना प्रीवियस जो सिलेबस था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा था, उसी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5C एंड द क्वेश्चन नंबर इज 38। ओके, एंड 38 इज क्वेश्चन इज द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ AP इज गिवेन है। सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, इट मीन्स SQ गिवेन है। हाउ मच सम ऑफ क्यू टर्म्स, 63Q माइनस 3Q स्क्वायर। ओके, सम ऑफ क्यू टर्म्स। क्वेश्चन इज इफ इट्स pth टर्म इज माइनस 60, इट मीन्स pth, इट मीन्स AP इज माइनस 60, AP दिया हुआ है। Then find the value of P की value find करनी है। And question is also find the 11th term of AP, और हमें A11 भी find करना है। पास में आ गई, जिसमें A और D का use होगा तो उसको first assume करते हैं। Let the first term and common difference of an AP are, okay, what A and small d respectively लिखने जाएगा। इतनी बात में आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में SQ दिया हुआ है, सी, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन हेयर इज 38, द सम ऑफ QH टर्म इज समथिंग, SQ इज हाउ मच, 63Q माइनस 3Q स्क्वायर। इतनी बात में आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि AP दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर AP की बात की जाए तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, A प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल टू माइनस 60, यस और नो? तो SQ दिया हुआ है, Q की जगह पर अगर हम 1, 2, 3 रखें, ऐसा क्वेश्चन आया था, तो हम उससे AP फाइंड कर सकते हैं। AP फाइंड हो जाएगी तो A और D की वैल्यू आ जाएगी, A और D की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी। पास में आई कि नहीं? ओके, तो नाउ एक और पैटर्न भी है, सेकंड पैटर्न भी सिखाते हैं इसकी, आप हम और इजी कर सकते हैं। एक और भी इजी होता है, पुट Q इक्वल टू Q माइनस 1। ओके, क्योंकि अपन ने क्या रख दिया, Q माइनस 1, पुट Q, लेट करते हैं, कोई पुट नहीं, डायरेक्टली करवाते हैं आपको, सिंस क्योंकि उसमें रखने पर वो इक्वल में नहीं दिखेगा आपको। क्यू माइनस 1 क्या आएगा, 63 क्यू माइनस 1 माइनस 3 क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर। पास में आ गई, ऐसा क्यों किया उसका रीजन बताएंगे अभी आपको। 63Q माइनस, ये एक सेकंड मेथड है जिससे हम क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं, जब भी क्वेश्चन आपका सम का आए, क्यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2Q, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 63Q माइनस 63 माइनस 3Q स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6Q। ओके, नाउ हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले हायर डिग्री है, माइनस 3Q स्क्वायर 63Q 6Q प्लस 69Q 63 माइनस 3 माइनस 66। ओके, ये SQ माइनस 1 की वैल्यू आ गई। तो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको T2 फाइंड करना है तो सम ऑफ टू टर्म में से सम ऑफ वन टर्म को माइनस कर दिए। सी, सम ऑफ टू टर्म, S2 का मीनिंग क्या हुआ कि टू टर्म्स का सम, यस और नो? और S1 का मीनिंग क्या हुआ, सम ऑफ वन टर्म P1। देखो, अगर हम S2 में से S1 को माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा हमारा, T2। इट मीन्स अगर nth टर्म फाइंड करना होता है तो हम
एक बिग में से सम में से एक स्मॉल को माइनस कर देते हैं। सेम वे हमें अगर टी क्यू फाइंड करना है तो टी क्यू टू तो एस टू, तो टी क्यू तो इट मीन्स एस क्यू में से एस क्यू माइनस वन को माइनस कर दें। ओके, तो नाउ एस क्यू इज 63 क्यू माइनस 3 क्यू स्क्वायर माइनस एस क्यू माइनस वन, माइनस किया तो साइन चेंज हो जाएंगे, 3 क्यू स्क्वायर माइनस 69 क्यू प्लस 66। ओके, सॉल्व किया माइनस 3 क्यू स्क्वायर, यस और नो, कैंसिल हो जा रहे हैं ये, तो देखिए तो हमारे पास 63 क्यू एंड 69, दिस इज माइनस का 6 क्यू प्लस का 66। ओके, तो ये टी क्यू की वैल्यू आ गई। टी क्यू का मीनिंग क्या हुआ, अगर एन एथ टर्म होता टी एन आ जाता। ओके, तो ध्यान से देखिए, अब इस क्यू की जगह पर हम 1 2 3 पुट कर दें, पुट कर सकते हैं, पुट क्यू इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, तो 1 पुट किया तो क्या आ गया, T1 फर्स्ट टर्म आ गया हमारा, इट मीन्स माइनस 6 इंटू 1 प्लस 66, तो 66 में से माइनस किया तो 60। T2 फाइंड कर लेते हैं, T2 आ जाएगा माइनस 6 इंटू 2 प्लस 66, 6 टू या 12, 66 में से 12 माइनस किया 6 टू 4, 5, 54, तो ये वैल्यू आ गई 54। ऐसा नो, T2 माइनस T1 क्या आ जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी, सिंस D क्या हो जाएगा एंड सो ऑन ऐसी चलता रहेगा, D क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, इट मीन्स 54 माइनस 60, इट मीन्स माइनस 6। A और D आ गया है, T1 मीनिंग क्या हुआ फर्स्ट टर्म, तो A आ गया ये, D A आ गया, अब हम फाइंड कर सकते हैं P की वैल्यू। ओके, तो क्वेश्चन ने दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है pth टर्म इज माइनस 60, तो ये pth का मीनिंग क्या हुआ, यस a प्लस p माइनस 1 इंटू d इक्वल टू माइनस 60, a और d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, यहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट टर्म का मीनिंग क्या हुआ, दिस इज a। ओके, तो 60 प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज माइनस 6 इक्वल टू माइनस 60। ओके, सो वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करते हैं, 60 माइनस 6p प्लस 6 इक्वल टू माइनस 60। ओके, 66 हुआ, शिफ्ट किया माइनस 6p इक्वल टू माइनस 60 माइनस 66, माइनस 6p इक्वल टू 6, 6, 6, 12 माइनस, कैंसिल हुआ 6 टू जा 12, 21, पी की वैल्यू आ गई 21, यस और नो, एक पी हमें फाइंड करना था, ये हमारा आंसर हो गया। एंड क्वेश्चन इज फाइंड द 11th टर्म, तो देखिए टी क्यू आया कि नहीं आया, टी क्यू या हम इसको यहाँ पर ये भी नहीं सकते हैं ए क्यू, आपने टी क्यू लिखा ए क्यू लिखाना आपके लिए इजी रहेगा, यहाँ पर T1 भी होता है लेकिन आपने सीखा है A, तो इसको हम A करते रहे। ओके, A2 माइनस A1 ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। नाउ तो अगर हम इस Q की प्लेस पर 11 रख दें तो हमारा सीधे टर्म्स आ जाएगा, सो नाउ A11 फाइंड करना है, यहाँ फाइंड कर रहे हैं, सिंस A11 इज माइनस 6 इंटू 11 प्लस 66 एंड दिस इज माइनस 66 प्लस 66, सो दिस इज 0। ओके, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो गया है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको क्वेश्चन करना है 40 एंड 41। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।